हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 38 साइज ब्लाउज का पेपर कटिंग एंड ड्राफ्टिंग बताऊंगी। तो अगर आप एक कटिंग जो है इसको ध्यान से देखेंगे तो आप 32 से लेकर 48 तक कोई भी सिंगल कट और ब्लाउज का इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो आप हो सके तो मैं जो भी बाद में भी मेजरमेंट डालूँ उसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, या फिर कॉपी और पेन में भी पॉज करके लिख सकते हैं उसका मेजरमेंट। अभी देखिए, इसमें हम लोग को सबसे पहले ब्लाउज का लंबाई लेना है। तो मेरा जो है 14.5 इंच है, और ये जो मेजरमेंट होता है ब्लाउज का लंबाई है आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना ब्लाउज का लंबाई रखना है। तो देखिए, अगर आपका ब्लाउज जो है अस्तर वाला है तो जब आप फ्रंट साइड का कटिंग करें तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखें फ्रंट साइड में, और बैक साइड में आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए। अगर आपका ब्लाउज जो बिना अस्तर वाला है तो उसमें आपका ब्लाउज का लंबाई जितना होगा उसे 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखिए और बैक साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिए। तो अभी देखिए, इसमें मैं 14.5 जो है मेरा ब्लाउज का लंबाई, उसमें मैं मार्क लगाई हूँ, निशान लगाई हूँ, और उसके नीचे मैं मार्जिन के लिए भी निशान लगाई हूँ। तो अभी ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो जो हम लोग का ब्लाउज का लंबाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग रखते हैं तो उसमें क्या होता है, शोल्डर आगे की तरफ नहीं आते हैं और फिटिंग अच्छा रहता है। अभी देखिए, जो शोल्डर का मेजरमेंट है मेरा 38 साइज है तो 5.5 है। सपोज आप इसमें सब सारे ब्लाउज का शोल्डर का मेजरमेंट है, अगर आप जैसे बैक डेप्थ अगर 7 इंच से ऊपर करते हैं तो बस इसमें आपको 0.7 इंच ऐड करना होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही ईजीली शोल्डर का मेजरमेंट जान जाएंगे। और आर्म होल देखिए, अभी यहाँ पर 38 साइज का 6.5 है आर्म होल, तो जैसे 32 साइज का 5.7 आप आर्म होल दे सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट दे के भी रख सकते हैं। अभी देखिए, जो पहले हम लोग का जैसे मेजरमेंट था इसमें, उस तरह ही मैं शोल्डर का मेजरमेंट पहले 5.5 में लगाई हूँ। उसके बाद ये देखिए चेस्ट का मेजरमेंट। आप अगर बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं और इसमें अगर 38 साइज निकल रहा है तो इसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है। अगर आप ब्लाउज का मेजरमेंट लेके करते हैं, अगर 38 साइज है तो उसको 4 भाग से 1 भाग में आपको यहाँ पर निशान लगाना पड़ेगा, और उसमें आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना पड़ता है। जैसे मैं 2 इंच बढ़ाई हूँ बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से, तो अलग होते हैं दोनों में। अभी देखिए, मैं यहाँ पर जो 38 साइज था तो इसमें 2 इंच ऐड की हूँ, हो गया आपका 40 इंच। 40/4 जो 4 भाग से 1 भाग 10 इंच, 10 इंच में मैं चेस्ट में निशान लगाई हूँ। अभी देखिए, नीचे का तरफ जो है वेस्ट पार्ट है तो इसमें 34 साइज है, 34 का 4 भाग से 1 भाग लेना है 8.5 इंच। तो 1 इंच में इसमें आपको दिखाऊंगी बाद में एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। तो आप, मैं इसमें पेपर में कटिंग कर रही हूँ, मुझे याद है तो मैं बाद में उसको बढ़ा लूँगी, लेकिन अगर आप नया कटिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ 2 से 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा रखिए। तो अभी मैं और एक चीज़ आपको नीचे में दिखाती हूँ, क्योंकि मैं इसी से ही बैक साइड का भी कटिंग करूँगी। तो इसमें पहले हम लोग जो फिटिंग का लाइन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का फिटिंग मेजरमेंट। इसके बाद देखिए, जो नीचे की तरफ पीछे की तरफ हम लोग को प्लीट डालना पड़ता है 2, जो कि 1 1 इंच होते के मतलब 2 इंच। तो इसीलिए इधर भी हम लोग नीचे में जो है 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद जो मैं पेपर का 1 इंच एक्स्ट्रा बोली थी वो 1 इंच अभी एक्स्ट्रा रखना है। तो ये मैं पेपर में कटिंग कर रही हूँ तो 1 इंच दिखाई हूँ, आप इससे 2 इंच या 2.5 इंच जरूर दीजिए। और ये वाला आप कटोरी ब्लाउज बना के देखिए, बिल्कुल आपका कटोरी इतना अच्छा बनेगा और फिटिंग इतना अच्छा आएगा, आप जरूर मुझसे शेयर करेंगे कमेंट करके। और अभी देखिए, मैं नीचे में 3 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ, ऊपर में 1 इंच, क्योंकि पीछे की तरफ जब पट्टी डलेगा तो अगर हम लोग अभी छोटा करके काटेंगे और पीछे की तरफ भी सेम ही कटिंग कर लेते हैं तो बैक साइड का जो कपड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा साइड में से। तो अभी देखिए, मैं 1 इंच में एक निशान लगा के उसको जो पिंक कलर स्केच में कर रही हूँ, बिना काट मतलब कटिंग नहीं होगा तो मैं इसीलिए इसमें पिंक कलर का स्केच में मार्किंग की हूँ। तो देखिए, 1 इंच का गैप है। अभी देखिए, जैसे बैक साइड बहुत डेप्थ होता है, मैं 10.5 इंच करने वाली हूँ, तो इसीलिए इसमें 1 इंच कॉर्नर में से 1 इंच क्यों। और अभी देखिए, जितना आपका आर्म होल का मेजरमेंट है उसका 2/2 करना है,
तो उसके बाद जहां पर आपका जैसे यहाँ पर 3.2 हो रहा है उससे ऊपर में 1 इंच ऊपर में डा के निशान लगाना है। और अभी यहाँ पर हम लोग कर्व करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आर्म होल का बाई 2 करके जितना निकला था उससे ऊपर करके मैं बीच में 1 इंच का गैप डाली हूँ, उसके बाद इसको कर्व कर रही हूँ। तो इसमें आपको फ्रंट जैसे स्लीव से और कपड़ा काट के निकालना नहीं पड़ेगा, आप करके देखिए बहुत अच्छा फिटिंग आएगा आपको। और अगर आप एक बार उसमें से कपड़ा निकाल देते हैं और बिठा नहीं पाते हैं बिल्कुल अच्छा ही नहीं बैठेगा और आपका ब्लाउज भी बर्बाद हो सकता है। अभी देखिए जो नेक का कोई कोई बोलते हैं नेक डाइन कितना देना है, तो आपको क्या करना है जो शोल्डर का आपको रखना कितना है, ब्लाउज का चौड़ाई कितना रखना है, उस हिसाब से आप इसमें पॉइंट करिए। तो मैं 3 इंच में ले रही हूँ, आप भी जरूर 3 इंच में लीजिए, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है 3 इंच। तो अभी फ्रंट नेक का देखिए 6 इंच है, तो मैं 6.5 इंच में निशान लगाऊंगी क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर में स्टिच जाएगा। अभी एक ध्यान करिए, ऊपर में है 2.5 इंच गैप है, जो नेक डाइन है वो 2.5 इंच है, तो नीचे में अभी 3 इंच में लेना है। 3 इंच में इसलिए लेना है, अगर हम लोग 2.5 इंच में करते हैं तो उसका जो ब्रॉडनेस है नीचे का तरफ कम जाएगा और कपड़ा दिखेगा साड़ी पहनने टाइम पे। तो आप इसको देखिए मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ नीचे की तरफ, अभी ऐसे तिरछा करके आप इसको लाइन ड्रॉ करिए, उसके बाद इसको राउंड कर दीजिए। अभी आप भी देख सकते हैं उसके नीचे की तरफ से भी ये ब्रॉड हो गया है, आप चाहे तो दूसरा से भी डाल सकते हैं। अभी देखिए जो पॉइंट होता है जो भी पट्टी लगता है उसका मेजरमेंट कितना में रखें, ये सारे मेजरमेंट है यहाँ पर। तो मैं जो रखी हूँ अभी मैं 11.5 पर लगाऊंगी, और आप ध्यान से देखिए मैं जब नीचे में ड्रॉ करूंगी ना उस टाइम 1/2 इंच एक्स्ट्रा होगा, तो हो गया 12 इंच, 38 साइज का ब्लाउज का 12 इंच रहता है, और जैसे 32 साइज का 11 इंच में लेते हैं। तो अभी दोनों तरफ से मैं ऐसे ही जो 11.5 इंच है 11.5 में मैं निशान लगा रही हूँ, उसके बाद इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ हो गया है, अभी आप नीचे की तरफ में देखिए मैं 1 इंच का और एक लाइन बनाऊंगी दोनों तरफ 1 1 इंच में, आप भी ऐसे करिए। फिर इसको भी निशान को जोड़ लीजिए दोनों तरफ। अभी देखिए जो फ्रंट पार्ट है और बैक जो साइड में हम डॉक का वो 1 इंच छोटा रहता है साइड में, तो अभी मैं इसमें से कर्व दूंगी थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट का भी निशान है मेरा, तो ऐसे ही थोड़ा सा डॉट्स डाल के मैं इसको कर्व करते हुए लूंगी, जो कि कटोरी बिठाते टाइम बहुत ही अच्छे से बैठेगा और फिटिंग अच्छे से रहता है इसका, अगर हम लोग थोड़ा सा कर्व जैसे शेप दे देते हैं बटन पट्टी के तरफ से। अभी देखिए मैं यहाँ पर जो 11.5 इंच दी थी मेरा 0.5 इंच बढ़ गया है और 12 इंच है, तो आप भी पॉइंट जितना होता है उससे आप जरूर 0.5 इंच कम दीजिए। तो अभी एक कटोरी का मेजरमेंट है, जो फर्स्ट कटोरी निकलता है उसका मेजरमेंट है। इसमें जो कटोरी है देखिए मेरा अभी 38 साइज का 6 इंच है, अगर मैं 44 साइज का लेती तो 7.5 इंच होता। तो अभी देखिए यहाँ पर बिल्कुल जितना कटोरी का मेजरमेंट है आपको सामने बटन पट्टी की तरफ से उतना में ही मार्क लगाना है। अभी मैं यहाँ पर 6 इंच में एक निशान लगाऊंगी। अभी देखिए उस साइड से अगर 3 इंच में गैप डालते तो भी वही निकलता, तो अभी मैं इसमें एक निशान लगाई हूँ, और इस तरफ से आपको 2.5 इंच लेना है, और 2.5 इंच जो हम लोग लेते हैं आर्म होल के पास से तो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अभी देखिए मैं यहाँ से 5.5 इंच या फिर आप जितना आपका फ्रंट नेक का मतलब लंबाई है उससे आप 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाइए, तो वहां से ही आपका कटोरी का सेप जो है कर्व हम लोग वहां से बनाएंगे। अभी देखिए ये जो है 2.5 इंच है, तो सभी साइज ब्लाउज के लिए स्टैंडर्ड मेजरमेंट ये 1 इंच में है जो कर्व में बनाई थी, अभी जो मैं बनाऊंगी ये हो गया आपका 2.5 इंच, तो ये स्टैंडर्ड साइज मेजरमेंट है, सारे ब्लाउज में 2.5 इंच ही आपको लेना है। अभी देखिए जो तीनों पॉइंट है मैं इसमें नंबरिंग नहीं तो कर देती हूँ 1 2 3 लिख के, और इसको अभी हम लोग को जोड़ लेना है। आप जो नेक साइड में नेक डेप्थ जो है फ्रंट साइड का जितना है मेजरमेंट ऊपर का तरफ 1 इंच चढ़ा के आपको उसमें मार्क करना होता है। अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा राउंड नहीं हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर दूंगी
ये देखिए कटोरी अभी हो गया है। तो अभी देखिए नीचे का तरफ में जो है हम लोग 1 इंच नीचे का तरफ किए थे, उसमें हम लोग को मेजर करना है 6 इंच। जहाँ पर हो रहा है कटोरी का 6 इंच, वहीं पर हम लोग को वो निशान लगाते हुए मिला लेना है। तो अभी देखिए जो फर्स्ट कटोरी है ये 6 इंच का आपका, तो मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, गला खराब है, इसीलिए शायद आपको वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी देखिए मैं इस तरफ से भी आपको और एक बार दिखा देती हूँ। अगर आपका जैसे शोल्डर का मैं मेजरमेंट रखी थी, उसमें अगर आप बैक डेप्थ जो है नेक का डेप्थ अगर कम रखते हैं, तो इस तरह से हम लोग रखते हैं। आप देख लीजिए 1/2 इंच बस बढ़ाना है, ये बैक का हो जाएगा आपका, बहुत ही आसान है। मैं पिंक कलर में इसलिए दिखाई हूँ क्योंकि मैं उसमें कटिंग नहीं करूँगी, जो एक्चुअली ब्लैक कलर है वो उसी पे ही कटिंग करूँगी। तो जितना भी अगर आप बैक नेक डेप्थ कर रहे हैं ज़्यादा, तो उसमें प्लीज आप जो है फ्रंट स्लीव आर्म होल का और कपड़ा कटिंग करके मत निकालिए। ऐसे करके आप देखिए और अपना एक्सपीरियंस जो है मुझसे शेयर करिए, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए मैं जहाँ पर पिंक कलर में क्रॉस लगा रही हूँ, वही सब हम लोग का कटिंग होगा। आप देख लीजिए मैं इसलिए क्रॉस लगा रही हूँ क्योंकि अगर कोई नया सीख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि मैं कहाँ पर मतलब एक्चुअल कौन सा मेजरमेंट है उनको पता ना चले, तो मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा क्रॉस लगा रही हूँ। अगर आपको कहीं पर समझने में दिक्कत हुआ है तो प्लीज आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी जहाँ पर आपको समझ ना आए। पर आप ज़रूर एक बार खुद से भी कोशिश करिए करने का, मैं हर मेजरमेंट आपको दे दी हूँ। अभी देखिए जो क्रश लगाए हैं बाहर के तरफ और जहाँ अंदर के तरफ जो लगाए हैं उसको बाद में कटिंग करेंगे, उससे पहले हम लोग जो आउटर लाइन है उसको सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो इसमें देखिए जो नीचे का है वेस्ट का मेजरमेंट 34 साइज था, तो उसको 4 भाग से 1 भाग लेना होता है, तो 8.5 इंच हो गया है। और उसके बाद आपको जितना एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना है वो एक्स्ट्रा है। तो एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी आप मेजरमेंट लीजिए चेस्ट का 4 भाग से 1 भाग आपको लेना है, और जैसे वेस्ट का भी 4 भाग से 1 भाग लेना है। अगर आप ब्लाउज में एक ही तरफ मेजर कर रहे हैं, जैसे आपको 18 इंच लिखना, तो आप उसको 2 भाग कर सकते हैं, तो 9 इंच में कर सकते हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल बॉडी अराउंड अगर हम लोग देते हैं तो 4 भाग से 1 भाग करते हैं। अभी देखिए जो बाहर की तरफ से मैं कटिंग कर देती हूँ इसको, इसके बाद हम लोग पहले बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। और इसमें आपको मैं दिखा देती हूँ, जो पहले हम लोग 1 इंच में निशान लगा के जहाँ पर कर्व किए थे उसको ही मैं कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है बैक नेक बहुत डेप्थ ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं फ्रंट साइड से कपड़ा काट के नहीं निकालूंगी। और अभी देखिए मैं इसको और एक पेपर के ऊपर रखी हूँ, तो इसमें सबसे पहले जो आर्म होल साइड में से हम लोग को इसको निशान लगा लेना है साइड में से करते हुए। ऐसे देखिए मैं अभी इसको ड्रॉ कर रही हूँ वो पेपर का, बस आपको और एक पेपर के ऊपर रखना है, उसके बाद ड्रॉ करना है। अभी जो ऊपर के तरफ में शोल्डर नेक लाइन के तरफ में भी ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग को शोल्डर कितना में रखना है, जैसे मैं पहले 3 इंच में रखी थी, अभी भी मैं 3 इंच में इसमें मार्क लगाई हूँ। और उसके बाद मेरा जो ब्लाउज का बैक डेप्थ है वो है 10 इंच, तो मैं 10.5 इंच में रखूँगी। अगर 10 इंच है तो 10.5 इंच इसलिए दे रही हूँ क्योंकि 1/2 इंच ऊपर की तरफ स्टिच में आ जाएगा, तो आपको 10 इंच बराबर मिलेगा पीछे की तरफ। तो अभी आप देख लीजिए यहाँ पर मैं 10.5 इंच में निशान लगाई हूँ, और इस तरफ भी मैं 3 इंच में निशान लगाई हूँ। तो इसको बराबर करने के लिए मैं ऊपर से और एक बार इसमें मार्किंग की थी। अभी देख लीजिए इसको मैं तिरछा लगेगा क्योंकि सामने का तरफ जैसे था बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करना है। अभी इसको आपको जिस भी शेप में जैसे शेप में चाहिए आप उस तरह से कटिंग करिए। अगर आपको ब्रॉड ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए तो आप 1 इंच रख के इसको कर्व घुमा सकते हैं। तो मेरा सलाह है कि आप सबसे पहले जो मैं पहले ड्रॉ की हूँ उसको करिए। अगर आपको लगे
कि नहीं मेरा जो पीछे का बॉर्डर कम हुआ है तो आप इसको बाद में थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी देखिए मैं अभी क्रॉस लगा दी हूँ तो उसमें ही हम लोग को कटिंग करना है। बहुत ही आसान है, देखिए बैक पार्ट भी आपका कितना इजीली निकल गया। तो ऐसे ही आप भी करिए, देख लीजिए। अभी जो है इसमें मैं स्लीव का भी कर्व करते हुए जहाँ पर हम लोग का मार्किंग है उसके ऊपर से ही कटिंग करेंगे। अभी मैं इसमें कटिंग करूँगी, पहले जो कटोरी का कटिंग करके निकाल देती हूँ इसको, और जो हम लोग का फ्रंट नेक था उसका भी कटिंग कर देंगे। तो एक कटोरी निकल गया है, अभी भी पट्टी को भी निकाल के रखेंगे। अभी देखिए इस तरह से हो गया है। अभी एक कटोरी को और एक पेपर के ऊपर रखिए। इसमें आपको मैं टक्स कितना देना है वो भी बताऊंगी, और सारे कटोरी का साइज भी पहले से रखी हूँ, और इसमें कुछ अलग है जो कि आपको सारे ब्लाउज में समझ में आ जाएगा। पहले देखिए आपको इस तरह से ड्रॉ करना है जो कटोरी है, और इसमें क्या होता है कटोरी छोटा नहीं पड़ता है, परफेक्ट कटोरी बैठता है। जैसे जो बोलते हैं कटोरी नहीं बैठता है या फिर चपटा होता है कटोरी, ये बिल्कुल बड़ा कटोरी निकलेगा। तो ये देखिए जितना फर्स्ट कटोरी का हम लोग का मेजरमेंट था 6 इंच। तो अभी जो आपका आफ्टर स्टिचिंग क्या होता है उसमें 1 इंच इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जो कि 7 इंच होता है नीचे का तरफ, और जो मिडिल कटोरी में होता है हम लोग का 8 इंच। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो कटोरी का बीच में अगर आप मिडिल पॉइंट से दोनों तरफ करेंगे 3 3 इंच हो रहा है, तो 3 इंच को अभी हम लोग टक्स में बदलेंगे। देखिए मैं इस तरफ से 2 इंच रखी हूँ, और 7 इंच जो 0.7 इंच है वो मेरा स्टिच के लिए मैं रखी हूँ। तो 2.7 इंच इस तरफ दी हूँ, अभी और जो राउंड के तरफ मैं 1 इंच रखूंगी। तो हो गया आपका 2 इंच प्लस 1 इंच 3 इंच, और 0.7 इंच जो है वो स्टिच के लिए रखे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो टक्स का भी आपको पता चल जाएगा कौन सा ब्लाउज में कितना लेना है। तो अभी देखिए इस तरफ मैं 1 इंच रखूंगी, और इस तरफ मैं बोली हूँ आपको जैसे 3 इंच है, तो इसको आप देखिए इस तरह से जैसे आपका तिरछा है ऐसे ही आपको और एक बार ड्रॉ कर लेना है सामने की तरफ। और इसमें मैं आपको दो तरह का बताऊंगी। अभी देखिए जो ऊपर की तरफ 0.5 इंच लेना है, और इस तरफ से मैं अभी 2.7 इंच रखूंगी। अगर आप इसमें कम करेंगे तो जैसे कटोरी का साइज कम होता है तो आप उससे भी मेजर करके निकाल सकते हैं। जो भी मैं मेजरमेंट दी हूँ प्लीज आप उसको लिख के रखिए या फिर स्क्रीनशॉट दे के रखिए, तो आपको जरूर इजी होगा। अभी देखिए मैं इस तरफ में 2.7 इंच लूंगी। अभी मेरा मार्किंग हो गया है इसमें 2.7 इंच में, और अभी मैं इसको जोड़ देती हूँ। जो ऊपर में 0.5 इंच था और नीचे का तरफ 2.7 इंच था उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए जो बटन पट्टी के तरफ में जो है इसको यहाँ पर हम लोग को और थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो पहले जो मिडिल ऑफ कटोरी का उसका निकालेंगे बीच में, तो उसके लिए जो बटन पट्टी के तरफ में हम लोग का अभी जो मैं मार्जिन ड्रॉ की हूँ उससे देखिए उस तरफ रखते हुए पहले इसको हम लोग मापेंगे। इसका जो मिडिल पॉइंट 5 इंच नहीं हो रहा है, तो 2 पॉइंट जैसे 2 इंच ऐसे में आप इसको मार्क करिए, और पीछे का तरफ देखिए वहीं से बिल्कुल यहाँ पर आपका नीचे का कटोरी से 2.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो आपका पहले 2 इंच 6.2 इंच लीजिए, 8 इंच में जहाँ पर हुआ मैं निशान लगाई हूँ, और ऊपर की तरफ 1/2 इंच में निशान लगाई हूँ। अभी देखिए आप हमेशा नीचे की तरफ पीछे की तरफ जो राउंड की तरफ सभी ब्लाउज में आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिडिल में आपको 2.5 इंच में इसलिए बोली और स्टिच के लिए तो बाद में बता देती हूँ। तो 6 इंच प्लस 2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, वहाँ पर 8 इंच हो गया है। मैं और एक बार भी आपको दिखा दूंगी जरूर। तो अभी देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे इसको कर्व करते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हो गया, मैं इसको और थोड़ा राउंड कर लेती हूँ। तो अभी देखिए ये जो फर्स्ट कटोरी था ये हो गया आपका 6 इंच। तो ऐसे ही अगर आप कटोरी का निकालेंगे थोड़ा सा भी किसी को कंप्लेन नहीं होगा कि कटोरी छोटा हो गया या कुछ कंप्लेन। अभी देखिए जब ये नीचे का आप स्टिच करेंगे
जैसे टक्स डाल के, तो वो कितना रहेगा, वो आपको 7 इंच रहेगा, 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। तो अभी देखिए इसमें मैं जो मिडिन पॉइंट था उसमें से मैं इसको लगाई हूँ लाइन, मिडिन पॉइंट से अभी ऐसे रखेंगे तो आप देख सकते हैं। अगर मैं 32 साइज का भी एग्जाम्पल दूँ, इसका कटोरी का फर्स्ट कटोरी 4.5 इंच है, उसमें अगर हम लोग 2.5 इंच एक्स्ट्रा देते हैं तो 7 इंच का मिडिल ऑफ कटोरी निकलेगा। तो ऐसे ही है 38 साइज का, जैसे 6 इंच है, तो इसमें हम लोग 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो 8.5 इंच है। एक्चुअली कटोरी का मेजरमेंट है 8 इंच। अभी देखिए जो मैं पिंक कलर में लाइन ड्रॉ की हूँ, क्योंकि वो कटिंग नहीं होगा तो मैं इसीलिए वो पिंक में आपको ड्रॉ करके दिखाई हूँ। तो अभी ये जो होगा इसमें देखिए, जो फर्स्ट कटोरी का मेजरमेंट +2 इंच रहता है तो 0.5 इंच स्टिचिंग के लिए, तो हो गया आपका 2.5 इंच। तो इसीलिए मैं सिंपल सा आपको बता रही हूँ, आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखिए, इतना 0.5 और एक्स्ट्रा नहीं देना है आपको। अभी देखिए मैं नीचे में जो कटोरी का एक्चुअली जो अभी डोंग बढ़ गया है उसको जब स्टिच करेंगे आफ्टर स्टिचिंग, ब्लाउज में अगर आप कटोरी का स्टिचिंग करने के बाद मापते हैं कितना रहेगा, ये हो जाता है आपका फर्स्ट कटोरी जितना होता है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा होता है, मतलब 7 इंच। तो मैं लिख देती हूँ 6 इंच + 1 इंच एक्स्ट्रा, 7 इंच रहेगा आपका। तो इस हिसाब से ही आपको स्टिच करना है, बिल्कुल 7 इंच ही रहना है कटोरी स्टिचिंग के बाद। अभी देखिए इसको हम लोग को मेजर करना है, फिर उसका मिडिन पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पर मार्क लगाना है। एम लिखा है तो मिडिन पॉइंट है, उससे मैं 2 इंच नीचे की तरफ दी हूँ, 2 इंच। तो इसका मेजरमेंट अलग अलग होता है, जैसे 32, 34, 36 के लिए 1.5 में लेना होता है, 38, 40, 42 के लिए 2 इंच, और 44, 46, 48 के लिए 2.2 में लेंगे। तो अभी देखिए मैं इसको जैसे एंगल करके इसको जोड़ लूंगी, तो उससे पहले और एक बता देती हूँ, कटोरी में कोई कोई साइड से भी प्लीट एक लगाते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, जहाँ से मिडिन पॉइंट था उसमें से आपको 0.5 ऐसे नीचे की तरफ में ए जो लाइन ड्रॉ करते हैं 2.2 to 2.5 इंच तक अंदर होता है। तो अभी देखिए मैं इसमें 2.2 इंच दी हूँ, तो आप जैसे अगर ज़्यादा थोड़ा साइज है बड़ा तो इसमें 2.5 इंच भी दे सकते हैं। अभी देखिए मैं अगर इसमें 0.5 इंच देती हूँ, उसको फोल्ड करेंगे तो 0.2 के आसपास आएगा, तो नीचे में अभी हम लोग को 0.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, नहीं तो बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा। मैं पहले से बोल रही हूँ, अगर आप कहीं पर कपड़ा ले रहे हैं स्टिचिंग के लिए नीचे में कपड़ा जरूर रखिए। अभी देखिए इसको हम लोग जहाँ से मिडिन पॉइंट था वहीं पर जोड़ देंगे। और एक ऑप्शनल है, जैसे कोई आपको अगर बोलते हैं सामने की तरफ से और एक टक्स लगा दो, तो ये मेजरमेंट उसके लिए भी है। आप देख लीजिए यहाँ पर 0.5 इंच एक्स्ट्रा दी हूँ, तो नीचे की तरफ में भी मैं 0.5 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ। तो अभी देखिए ऐसे मैं इसको जोड़ देती हूँ, तो अभी जो मैं ब्लैक कलर में इसमें ऐड करूँगी वही हम लोग का कटिंग होगा। तो आप चाहे तो अभी देखिए जहाँ पर मैं एक्स्ट्रा 0.5 इंच ली थी उसमें से ही अगर मैं नीचे की तरफ जहाँ पर टॉक्स पॉइंट में डाले हैं मिडिन में अगर मैं कर रही हूँ, तो अगर आप बीच में डाल रहे हैं टक्स मिडिन में बटन पट्टी की तरफ से, तो ही आपको उसमें बाहर की तरफ से कटिंग करना है। अगर आप नहीं डाल रहे हैं, अभी जैसे मैं मार्क लगा रही हूँ डार्क कलर में, देख लीजिए जो बटन पट्टी की तरफ से लेके मैं इसको नीचे का तरफ जो ड्रॉ कर रही हूँ, ये आपका कटिंग हो जाएगा जहाँ पर आपको साइड में से टक्स नहीं डालना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा है तो आप बटन पट्टी की तरफ से भी टक्स लगा सकते हैं। अभी देखिए मैं इसमें आपको पहले जो मैं इसका वीडियो और भी दो छोड़ी हूँ, एक 36 साइज ब्लाउज का है जो कि छोटा वाला जिसको कटोरी चाहिए उनके लिए है, और ए वाला आप इसको एक्सटेंड करके बड़ा भी कर सकते हैं और इसको चाहिए तो आप छोटा भी कर सकते हैं, तो आप दोनों तरफ से समझ जाएंगे, मैं इसीलिए वीडियो ऐसे दिखाई हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, नीचे का तरफ 2.7 इंच है हम लोग का, और इस तरफ भी 0.5 इंच है जो राउंड की तरफ, और उस तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं।
तो अभी देखिए ऊपर की तरफ टक्स जैसे कितना तक चढ़ता है, तो ये मिनिमम 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक ही रहता है। अगर जैसे ही मैं आपको मेजरमेंट दी थी नीचे की तरफ ड्रॉ करने के लिए 1.5 इंच और 2 इंच और 2.2 इंच का, बिल्कुल आपको ऐसे ही मेजर करना है। तो अभी ये 38 साइज का ब्लाउज है, तो मैं ऊपर की तरफ में भी 2 इंच का ही मेजरमेंट करूँगी। तो अभी देखिए जो मैं क्रॉस लगा रही हूँ वो कटिंग का है, तो इसमें हम लोग कटिंग करके निकालेंगे इसका जो कटोरी है, और ये परफेक्ट कटोरी है। आपको कोई भी बोले कि एक्सटेंड कटोरी ऐसे बीच में काट के इधर से उधर बिठाए, और बिल्कुल नहीं बैठता है। और जो मैं आपको मेजरमेंट दी हूँ ये रेडीमेड मेजरमेंट भी है और मैं खुद भी बनाई हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है। प्लीज़ आप इसको ट्राई ज़रूर करिए और मुझे कमेंट भी करिए, अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम लग रहा है बनाते समय तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी देखिए मैं इसको जो बाहर के तरफ से कटिंग करूंगी, जो आउटर है उसको हम लोग कटिंग कर लेते हैं बाहर के तरफ से। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द आपको और भी ब्लाउज का बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगी जो कि आप इजीली समझ सकते हैं। अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, आपको लग भी रहा होगा वॉइस थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी बहुत दिन हो गया सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना के छोड़ रही हूँ। तो अभी देखिए इसमें जो मैं साइड में से भी इसको कटिंग करके कंप्लीट कर ली हूँ, कटिंग तो इसका हो गया है। अभी देखिए जो टक्स का पॉइंट जैसे मैं बोल रही थी, जैसे नीचे का तरफ जितना लेना है ऊपर के तरफ में भी उस हिसाब से लेना है। तो ये देखिए आफ्टर स्टिचिंग अगर हम लोग को 7 इंच रखना है, तो आपको 7 इंच हो रहा है 3.5 इंच में, तो उसमें आपको 0.2 से 3 इंच स्टिचिंग के लिए रखना है। तो आपको जैसे 3.8 में मैं यहाँ पर देखिए निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 3.5 इंच 3.5 इंच जो है वो एक्चुअल मेजरमेंट है मेरा ब्लाउज का कटोरी का, और जो 0.3 इंच होगा वो मेरे दोनों तरफ स्टिच में जाएंगे। अभी देखिए मैं इस तरफ से भी 3.8 में निशान लगाई हूँ। अभी ऊपर का तरफ में मैं 2 इंच में निशान लगाऊंगी, और आप वो मैं जैसे बोली हूँ आप थोड़ा आगे पीछे भी करके देख सकते हैं कहीं पर छूट गया है तो। और इसको अभी जो पॉइंट का लाइन है उसमें आप ड्रॉ कर लीजिए, ये देखिए जो पॉइंट का मैं लाइन अभी ड्रॉ कर लेती हूँ। अभी मैं कटोरी भी आपको मोड़ के दिखा दूंगी, ये देखिए और एक बार माप लेते हैं इसको अच्छे से। तो आप भी ऐसे ही मेजर करके ही उसका जो स्टिचिंग के लिए भी कपड़ा छोड़ के उसको फिर टक्स के लिए निशान लगाएंगे। अभी देखिए मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, जो कटोरी का मिडिल में जैसे था ऐसे ही फोल्ड करना है। उसके बाद जहाँ से मैं 2 इंच में निशान लगाई थी उस पर हम लोग को इसको मोड़ देना है। तो ये स्टैंडर्ड साइज है, ये बिल्कुल कटोरी बैठेगा, आपको ऐसे नहीं लगे कि कटोरी नहीं बैठेगा या छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप करके देखिए परफेक्ट कटोरी होगा। तो अभी देखिए ये कटोरी आप देख सकते हैं इसका शेप कितना अच्छा है, और मैं बाकी भी आपको दिखा दूंगी। जैसे अभी तो एक कंप्लीट हो गया, आप देख रहे होंगे इसका शेप इतना अच्छा हुआ है। और मैं काफ़ी सारे ब्लाउज बनाई हूँ जिसमें कि जो बोलते हैं हम लोग दूसरे के पास देते हैं तो ब्लाउज का फिटिंग नहीं होता है, तो उनको बहुत पसंद आया है क्योंकि उनका कटोरी जो है परफेक्ट बैठ जाता है, और ब्लाउज का लंबाई जैसे मैं बोली हूँ ऐसे थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो शोल्डर जैसे सामने की तरफ आ जाता है, वो चीज़ आपको नहीं होगा। तो अभी देखिए मैं इसमें आपको सारे ऐड करके भी दिखा देती हूँ, इसका कटिंग हो गया है। अभी मैं आपको स्लीव का भी कटिंग करके दिखा दूंगी। मैं पहले भी आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दे देती हूँ, मेजरमेंट भी रहता है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। अभी देखिए इसमें क्या होता है, जो स्लीव का मेजरमेंट में आपको जितना लेंथ रखना है, तो मैं इसमें 5 इंच रखी हूँ, और इसका लंबाई जो है चेस्ट का मेजरमेंट जितना होता है उससे आपको एक्स्ट्रा कपड़ा जैसे जितना देना है, अगर मैं 1 इंच में रखी हूँ तो 1 इंच में ही इसको करना है, क्योंकि मेरा चेस्ट का मेजरमेंट 10 इंच था प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ। अभी इसमें भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
तो अभी देखिए, जैसे मैं इस तरफ नीचे का तरफ से मैं 3 इंच में इसको निशान लगाई हूँ, फिर स्कैन में ऐसे करते हुए आप इसको ऐड कर लीजिए, और जो इसका मीडियन पॉइंट होता है उसमें आप एक निशान लगा के इसको थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं, ऐसे कर्व कर दीजिए। और स्लीव से भी आपको बिल्कुल भी कपड़ा कटिंग करके निकालना नहीं है। अभी देखिए, जो मोहरी का मेजरमेंट, जैसे मोहरी का मेजरमेंट से 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के मैं पेपर रख के उसको अभी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो अभी हो गया है ये स्लीव का कटिंग, और जो भी बोलते हैं अगर स्लीव से भी कपड़ा कटिंग करके निकालिए तो मैं ज़रूर बता दूँ, अगर नया सीख रहे तो आपका डाउट बिल्कुल नहीं बैठेगा, और हो सके ख़राब भी हो जाए, तो प्लीज़ आप एक कटिंग करके देखिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कहीं पर वीडियो समझने में आपको दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका मेजरमेंट वहीं से निकाल के दे दूँगी। और वीडियो अच्छी लगी है तो भी प्लीज़ कमेंट करिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।